कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। संकट की इस घड़ी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक योद्धा के तौर पर सफाई कर्मचारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सड़क हो या गली मोहल्ले या फिर अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर ही क्यों ना हो, लगातार सफाई कर्मचारी दिन रात निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव जी। रामेंद्र जी, सबसे पहले तो अलाइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है और सफाई कर्मचारियों को इस संकट की घड़ी में अलाइव 24 न्यूज सलाम करता है। इस संकट की घड़ी में सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी नई हैं, किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, कितनी चुनौतियां आपको आ रही हैं और कितनी शिकायतों को किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं और उनका कैसे आप सामना कर रहे हैं? सबसे पहले मैं लाइव 24 न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जो भी समस्याएं हैं या जो जिस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बुलाया गया है और उनकी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक गांव पंचायत के सफाई कर्मचारियों का सवाल है, पूरे प्रदेश में इस समय समथिंग 1,00,000 कर्मचारी हमारा गांव पंचायत में राजस्व गांव में कार्यरत है। जब से ये कोरोना 19 आया है, महामारी फैली है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। इन जिम्मेदारियों में हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम भी करना है और जो हमारी समस्याएँ हैं उनको हम सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने प्रयास। आपने समस्याओं की बात करी, हम जानना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। गांव पंचायत में तो इस समय लॉकडाउन घोषित है, गांव पंचायत में एक सफाई कर्मचारी है राजस्व गांव के हिसाब से, तो वो राजस्व गांव के हिसाब से जब वो गांव पंचायत में जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि गांव पंचायत को साफ सुथरा रहे और जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं इस समय उनकी सूचना तत्काल कलेक्ट करें और कलेक्ट करके अपने संबंधित अधिकारियों को बताए। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय ये है कि जो सफाई कर्मचारी गांव पंचायत में काम कर रहा है उसके लिए जो सुविधा है वो सुविधा के लिए ऊपर तो आदेश हो रहे हैं, नीचे लेवल में उन आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। नीचे लेवल पे उन आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है, आपने बात बताई, सुरक्षा संसाधनों की कमी की वजह से अभी देखा गया है उन्नाव और सीतापुर में, जहां एक सफाई कर्मचारी घायल हो गया और वहीं दूसरा सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई। ऐसे में आपका जो कर्मचारी संघ है वो सरकार से क्या मांग करता है? एक तो पूरे प्रदेश में 4 घटनाएं हुई हैं, 2 नगर पालिका की हुई हैं और 2 पंचायत राज विभाग की हुई हैं। एक उन्नाव बिछिया ब्लॉक है, वहाँ का सफाई कर्मचारी इस जिम्मेदारी के साथ जो गांव पंचायत को सैनिटाइज किया जा रहा है, दवा का छिड़काव किया जा रहा है, तो वो जब दवा का छिड़काव कर रहा था तो उसमें उसको किट की सुविधा नहीं दी गई, अगर उसको किट मिली होती तो उसका शरीर ना सुलझता। दूसरी घटना जो सीतापुर रेवसा ब्लॉक की हुई है उसको भी वही हुआ, अगर उसको जो पंचायती राज प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कर्मचारी तक उनकी संसाधन उनको मिले, उनको किटें मिलें, उस चीज़ को प्रमुख सचिव साहब ने तो नीचे से भेजा आदेश, लेकिन जो नीचे लेवल के आदेश हैं वो उसका फॉलो नहीं हुआ। फॉलो न होने की वजह, जिम्मेदारी है सफाई कर्मचारियों पे, काम करना है इस समय, इस घड़ी में तो सरकार का जो भी डायरेक्शन आ रहा है या जो हमको खुद उचित लग रहा है कि नहीं यहाँ ये काम उचित है हम कर रहे हैं, जब हमने उस काम को किया तो उस दवा में जो उसकी गंध है या जो भी उस समय दिक्कत आई होगी उस कर्मचारी को, वो गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको आनंद फानंद अस्पताल ले जाया गया और रात में ट्रामा सेंटर में उसको 4 बजे मृत हो गई। उसका जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो जिम्मेदार अधिकारी वो है जो शासन के आदेश का सही से पालन नहीं कराया, वो जिले के संबंधित अधिकारी है उसके। चूंकि सफाई कर्मचारी भी आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, सरकार ने कोरोना फ्रंटलाइन योद्धाओं से लेकर सफाई कर्मचारियों के लिए भी 50,00,000 रुपए बीमे की एक 50,00,000 रुपए बीमे का प्रावधान रखा है। इसमें आपका कर्मचारी जो संघ है उसको कई शिकायत भी हैं इस बीमे की राशि को लेकर के, किस तरीके की शर्तें हैं, किस तरीके की आपको सरकार से मांग है? एक तो इसमें जो 11 तारीख को आदेश हुआ है इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग, ये 4 विभाग मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जिसमें एक आदेश जब ये आया कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान यदि
संक्रमित हो जाता है, अपना वो कार्य कर रहा है और मरीज के देखभाल में लगा हुआ है, मरीज के साथ अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ, वो संक्रमित हो गया और उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पहला तो एक आदेश ये आया, पोस्टमार्टम के बाद यदि अगर वो संक्रमित निकलता है तो उसको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, नंबर एक। दूसरा विषय, इसमें तुरंत ही एक आदेश संशोधन हुआ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव राजस्व जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि तुरंत आदेश को एक पैरा नंबर 3 पर संशोधन किया गया कि कर्मचारियों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, सीएमओ के आधार पर उनको वो राशि, अगर वो सीएमओ साहब क्लियर कर देते हैं कि नहीं इनको संक्रमण था तो उनको दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ छुप गई, अगर इस बात को सरकार संज्ञान ले लेती या उच्च अधिकारी इस बात को संज्ञान दिलाते कि कर्मचारी गाँव में काम कर रहा है, अब वो इतना भयभीत है इस समय इस कोरोना महामारी को लेकर के और जिम्मेदारियां बहुत हैं, उस जिम्मेदारी के साथ जब वो गांव में काम कर रहा है तो उस काम के दौरान यदि अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख का बीमा मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया कि यदि अगर उसको संक्रमण हो जाता है, हम कह रहे किसी कर्मचारी की हृदय गति रुक जाए, जा रहा है ड्यूटी, रास्ते में कोई बात हो जाए, हमारी मांग है सरकार से कि इस महामारी में, ये महामारी फैली है हमेशा नहीं, ईश्वर करेगा जल्दी ठीक होगा, सरकार भी लगी है, भारत सरकार भी लगी, तमाम संसाधन लगे हैं, समाज सेवी लगे हैं और इस प्रकार अगर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, लॉकडाउन अच्छा सफल हो रहा है तो निश्चित है हम सफल हो जाएंगे। जब सफल निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, सरकार ने इस आपकी मांग को लेकर अभी तक क्या आश्वासन दिया है? नहीं, अभी तो हमने इस पर एक पैरा नंबर 3 पर एक संशोधन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव राजस्व उनको भेजा है और अपने प्रमुख सचिव पंचायती राज से हम, मैं आज मिलने गया था, इत्तेफाक से आज मुलाकात नहीं हो पाई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में थे, इसके बाद हम कल अवकाश है, परसों उनसे फिर मिलेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि इस बीमे जो आदेश हुआ इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए जो भी आवश्यक सेवाएँ दे रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है कोरोना 19 में तो उनको पूरा, उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 50 लाख का बीमा दिया जाए। सफाई कर्मचारी इस संकट की घड़ी में अस्पतालों से लेकर क्वारंटीन सेंटर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में उनको सरकार की तरफ से जो किट मिलनी चाहिए क्या वो किट उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई है, और इसके अलावा उनको किस तरीके की अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक दिक्कत तो ये आ रही है कि जो पंचायत का सफाई कर्मचारी है, प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जानकारी आ रही हैं, मैं ऊपर अधिकारियों को भी अपडेट कर रहा हूँ, कई जिलों में मैंने ये देखा है कि सफाई कर्मचारियों को हॉस्पिटलों में लगा दिया गया है, अब वो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनकी देखभाल में लगाया जा रहा है, वहाँ की साफ़ सफाई में लगाया जा रहा, अगर वहाँ पर कोई बात होती, क्योंकि पंचायत खुद इतनी बड़ी पंचायत है, वहाँ की साफ़ सफाई मोस्ट है इस समय, अस्पताल में जो उनके कर्मचारी उनसे काम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को कई जगह से कई अलग अलग सिस्टमों से काम लिया जा रहा है, इसके लिए इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि गांव पंचायत में सफाई व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम लोग लगे हैं, लेकिन अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं उसको इधर उधर बांट रहे हैं। तो आपके चैनल से हमें संदेश भी देना चाहेंगे कि जो राजस्व गांव के लिए कर्मचारी तैनात हुआ वहां उससे काम लिया जाए और जो सरकार ने आदेश किया है जो किट की व्यवस्था है उसमें जो संसाधन, जो हमारी भर्ती हुई थी 2008 में तो एक जॉब चार्ट हमारा बना था, उस जॉब चार्ट में हमको एक व्यवस्था दे दी गई थी कि ये आइटम आपको ये संसाधन मिलेंगे, उन संसाधनों का अभी तक कोई हमको नहीं मिला, जिसकी वजह से अब कर्मचारी है, सरकार का अंग है और हम इस समय इस विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, अगर पूरी सुरक्षा नहीं मिली तो मुझे लगता है एक बड़ी लंबी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए किट मिलना अति आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों अपने संबोधन में सफाई कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया था, ऐसे में जबकि आपको सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अब उत्तर प्रदेश की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को? हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने अपने राष्ट्र के संबोधन में इस कोरोना 19 में लगे सभी योद्धाओं में से सफाई कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से ये मांग, केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि इनकी जो इस समय सुरक्षा है वो सुरक्षा प्रदान करा दी जाए, जिसमें से उनके जो किट है सुरक्षा की, ताकि कोई कर्मचारी घटना दुर्घटना न हो पावे, दवा छिड़कने टाइम, सफाई कर्मचारी काम करने के टाइम या क्वारंटाइन सेंटर में सफाई कर रहा उस समय कोई घटना न हो पावे,
उनकी वो व्यवस्था कर दे। हम सरकार के कंधे से कंधा मिला करके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और करेंगे। हम अपने सफाई कर्मचारियों को बार बार आह्वान भी कर रहे हैं, उनका मनोबल भी हम बढ़ा रहे हैं कि आप इस समय इस दुख की घड़ी में आप सरकार के जो भी आदेश हैं उनका पालन करें। लेकिन जो सरकार जैसे सरकार के जो देना चाह रही है, मैं फिर एक बार आपके चैनल से कह रहा हूँ, जो देना चाह रही है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, वो सुरक्षा नीचे लेवल पर नहीं हो पा रही। तो बिल्कुल जैसा कि रामेंद्र जी का कहना है कि जो सुविधाएं सफाई कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वो सरकार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कोरोना वायरस की लड़ाई में अपना साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। वो चाहते हैं कि ये दिक्कतें जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। हमारे चैनल से बात करने के लिए, हमारे साथ अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।